भारत ने इजरायली कंपनी राफेल के साथ हुआ $500 मिलियन का रक्षा करार खत्म कर दिया है। इस करार के तहत राफेल भारतीय कंपनी कल्याणी ग्रुप के साथ मिलकर 1600 स्पाइक मिसाइलें बनाने जा रही थी। स्पाइक मिसाइलें भारत की एक बड़ी जरूरत थी, क्योंकि भारत युद्ध के मोर्चे पर जिस एक जगह पाकिस्तान से मात खा सकता है वो एंटी टैंक मिसाइल ही है। भारत के पास फिलहाल फ्रांस की मिलान 2T मिसाइल उपलब्ध है, जिसकी मारक क्षमता बहुत कम है, जबकि पाकिस्तानी सेना के पास चीन में बनी HJ-8 पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल है। ये भारत की मिसाइल से दुगनी दूरी में मार करने वाली एंटी टैंक मिसाइल है। स्पाइक इसराइल की डिजाइन की हुई चौथी पीढ़ी की मिसाइल है। इस मिसाइल की खास बात यह है कि यह गाइडेड मिसाइल है, मतलब आप मिसाइल दागिए और भूल जाइए, वो अपने आप निशाने पर जाकर लग जाएगी। दूसरा, इस मिसाइल को आसानी से लाद कर इधर से उधर लेकर जाया जा सकता है। इसकी ये दो खासियत आमने सामने के मोर्चे में बहुत मददगार साबित होती है। वैसे आपको बता दें कि भारतीय सेना लंबे वक्त से एक अच्छी एंटी टैंक मिसाइल की मांग कर रही थी, लेकिन इस सौदे के रद्द हो जाने के बाद भारतीय सेना का जो एक अच्छी एंटी टैंक मिसाइल की मांग का सपना था, वो अभी फिलहाल अधर में लटका दिख रहा है।